हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अंधेपन के बारे में, यानी ब्लाइंडनेस के बारे में। कुछ लोग बचपन से अंधे होते हैं, जन्मजात अंधे होते हैं, और कुछ लोग टाइम के साथ साथ कई बार अंधे हो जाते हैं। यानी कई बार कोई ऐसी बीमारी हुई जिसके चक्कर में आप अंधे हो गए, कई बार ब्लड का जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा, जैसे बीपी, तो उसके चक्कर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ब्लड आ जाता है, और कई बार आपकी आंखों में ब्लड आ जाता है तो उसके चक्कर में आप अंधे हो जाते हैं। और कई बार एक्सीडेंट होता है या कोई सर्जरी होती है, कोई ब्रेन की सर्जरी होती है, जिसके चक्कर में आप अंधे हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वजहें हैं जिनके चक्कर में कई बार जो अंधापन है वो हो जाता है। लेकिन हमारे बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग बनता है जिसके चक्कर में ये प्रॉब्लम हो सकती है? और जो भी मैं योग आपको बताता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप सुन के उसके बाद डरना शुरू कर दें कि भाई आपके बर्थ चार्ट में तो ऐसा योग बना है तो आपको ये सारी चीज़ें होंगी। जब तक चीज़ें आपको नहीं हुई हैं, जब तक आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं फंसे हो, तब तक आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि और भी ऐसी प्लेंटरी वजह होती है जिसके चक्कर में आप ऐसी बीमारियों से बच पाते हैं। यानी आपके बर्थ चार्ट में और भी ऐसे योग होते हैं, ऐसे अच्छे योग होते हैं जो आपको ऐसी चीज़ों से बचा लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अंधापन, बहरापन, गूंगापन और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इनसे आपको डरना नहीं है जब तक ये चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं, राइट? तो आज मैं आपको बताऊंगा अंधेपन के बारे में कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। अंधेपन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अपने दोनों आँखों की पोजिशन को समझना होगा कि हमारे बर्थ चार्ट में हमारी दोनों आँखें कहाँ पर हैं। सेकेंड हाउस आपकी राइट आई और 12th हाउस आपकी लेफ्ट आई। सेकेंड हाउस और 12th हाउस अगर इनके लॉर्ड्स कम्बस्ट हो जाते हैं, सेकेंड हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर कम्बस्ट हो जाते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस में अगर इनकी प्लेसमेंट होती है, राहु शनि केतु के साथ अगर ये प्लेस होते हैं या राहु शनि केतु का इनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड हाउस का लॉर्ड है आपका, मान लेते हैं मरकरी, 3 नंबर साइन यहाँ पर आ रहा है, इसका लॉर्ड हो गया मरकरी, और मरकरी की प्लेसमेंट अगर यहाँ पर होती है, मरकरी अगर आपका यहाँ पर प्लेस्ड है 3, 4, 5, 6, 7 नंबर साइन के ऊपर, और मरकरी अगर यहाँ पर केतु के साथ प्लेस्ड है, या सैटर्न का एस्पेक्ट मरकरी के ऊपर पड़ रहा है, या सैटर्न यहाँ पर प्लेस्ड है, सैटर्न का यहाँ से एस्पेक्ट मरकरी के ऊपर पड़ रहा है, या आपका केतु यहाँ पर प्लेस्ड है या राहु यहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ से 5th एस्पेक्ट जो है मरकरी के ऊपर पड़ रहा है, और मरकरी यहाँ पर सन के साथ भी प्लेस्ड है, तो मरकरी यहाँ कम्बस्ट हो गया, साथ में केतु भी आ गया, साथ में सैटर्न भी आ गया, अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तब ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। यानी सेकेंड हाउस और 12th हाउस, सेकेंड हाउस यानी राइट आई, 12th हाउस यानी लेफ्ट आई, और सेकेंड हाउस में अगर सैटर्न या केतु की प्लेसमेंट हो, या सैटर्न या राहु की प्लेसमेंट हो, या यहाँ पर सैटर्न या केतु की प्लेसमेंट हो, या सैटर्न राहु की प्लेसमेंट हो, या 12th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पर प्लेस्ड है और यहाँ का लॉर्ड अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है लेकिन राहु शनि केतु के साथ है, या राहु शनि केतु का उनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, जैसे सैटर्न अगर यहाँ पर है आपका तो सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, या सैटर्न आपका यहाँ पर है तो सैटर्न का एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, राइट? या केतु आपका यहाँ पर है तो केतु का एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, या केतु आपका यहाँ पर है या राहु यहाँ पर है तो इनका एस्पेक्ट जो है वो 12th हाउस के ऊपर पड़ेगा, या 12th हाउस या सेकेंड हाउस के लॉर्ड्स अगर 4th हाउस में है, 10th हाउस में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है लेकिन वीक पोजिशन में है, सन के साथ बैठ के भी प्लैनेट्स थोड़े वीक हो जाते हैं अगर वो कम्बस्ट हो जाते हैं, अगर वीक पोजीशन में है तब आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपका सेकंड हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, बेनिफिक साइन में बैठा हुआ है, फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में राहु शनि केतु से बचा हुआ है, तो हो सकता है आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो। तो समझने वाली बात यह है इसमें कि सेकेंड हाउस और 12th हाउस, सेकेंड हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर वीक हो जाते हैं तब आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार हमें मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है जिसे कैटरेक्ट बोलते हैं, तो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम जो है वो एज के साथ होती है, तो उसमें कोई ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता तो है
लेकिन उससे डरने वाली बात नहीं है। जैसे आपका मैंने बताया कि सैटर्न और केतु अगर 12th हाउस में है, तो जब आपकी एज थोड़ी बढ़ेगी तो आगे चल के हो सकता है आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो, यानी कैटरेट की प्रॉब्लम हो। और अगर ये योग आपके सेकेंड हाउस में बनता है तब भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आपको एक दो चीज़ें और भी देखनी है। वीनस, वीनस अगर आपके बर्थ चार्ट में, अपने डेबिलिटेशन में हो, केतु के साथ हो, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमारी आंखों की जो ज्योति है, हमारी आंखों का जो प्रकाश है, उसका संबंध वीनस से भी जुड़ता है और उसका संबंध सन से भी जुड़ता है। तो सन और वीनस अगर वीक पोजिशन में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ हैं, तब भी आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको एक दो चीज और भी देखनी है, पाइसिस साइन और टॉरस साइन को भी देखना है। पाइसिस साइन और टॉरस साइन, पाइसिस साइन मान लो कि यहां पर है, मान लो कि यहां पर है, मान लो कि यहां पर है, कहीं भी हो पाइसिस साइन 12 नंबर साइन, टॉरस साइन यानी 2 नंबर साइन, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, अगर यहां भी केतु की या सैटर्न की प्लेसमेंट होती है, केतु या सैटर्न की प्लेसमेंट होती है, या सैटर्न या राहु की प्लेसमेंट होती है पाइसिस साइन या टॉरस साइन में, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकेंड हाउस, 12th हाउस, वीनस यानी शुक्र और साथ में सूर्य यानी सन, अगर वो वीक है, डेबिलिटेशन में है, वीक पोजिशन में है, राहु शनि केतु के साथ हैं, और टॉरस साइन और पाइसिस साइन में अगर मालेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा जब बढ़ जाती है जब सेकेंड हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर कम्बस्ट हो चुके हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, 6th हाउस में है तो आंखों की बीमारी होगी, 12th हाउस में है तो किसी एक्सीडेंट के चक्कर में हो सकता है आपकी दोनों आंखें या एक आंख खराब हो जाए, या 6th हाउस से 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर सेकेंड हाउस में है या 12th हाउस में है, लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अगर वो भी वीक पोजिशन में है, तब आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज, आपके बर्थ चार्ट में ऐसा बहुत सा प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होता है जिसके चक्कर में आपको ऐसी आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में, या अगर आप ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।